उत्तर प्रदेशची निवडणूक मैदानासोबत सोशल मीडियातही लढली जाते आणि या लढाईचं नियोजन होत आहे वॉर रूम मधून। भाजपची वॉर रूम अतिशय प्रोफेशनल आहे। इथूनच भाजपचे चाणक्य प्रचाराची सूत्र हलवतात। या वॉर रूम मध्ये सामान्य लोकांना किंवा कार्यकर्त्यांना थेट प्रवेश नसतो। आपण मात्र जाऊन पाहूयात ही वॉर रूम कशी आहे। राकेश जी, आईबीएन लोकसभा में आपका स्वागत है। हम सब जानने के लिए उत्सुक कि किस तरह से बीजेपी इस चुनाव में प्रचार की रणनीति तैयार कर रही है और किस तरह से प्रचार बीजेपी का हो रहा है, आप हमें समझाएंगे कि बीजेपी का वॉर रूम में किस तरह से काम चल रहा है। देखिए, किसी भी कार्यक्रम की पूर्व योजना और पूर्ण योजना ये हमारे संगठन का आधार रहा है और हमने इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमने प्रचार अभियान को बहुत आक्रामक रखा और जनता तक अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में हम सफल रहे, उसी तरह से इस बार उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा के चुनाव में भी हमने उसी तरह के प्रयोग दोहराए हैं। कुछ नवीन प्रयोग भी साथ साथ में किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रचार कक्ष में हमने क्या नया किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठ करके पार्टी के लिए क्या क्या नारे होंगे, पार्टी के लिए क्या क्या कार्यक्रम कैसे चलेंगे, कौन से होर्डिंग बनेंगे, कौन से डिजाइन बनेंगे, किस किस समय पे कौन कौन से होर्डिंग लगेंगे। हमने शुरुआत की तो हमने परिवर्तन यात्रा जब निकाली तो ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार हम लेकर के गए। साथ ही साथ जब आगे हम चुनावों में बढ़े हैं तो आप और नहीं सहेंगे, ऐसे हमने एक सीरीज पूरी चालू की और इसमें अलग अलग वर्ग को हमने संबोधित करते हुए स्लोगन डिजाइन किए, उनके पैम्पलेट्स, होर्डिंग डिजाइन, हर तरह तरह के जो भी चुनाव प्रचार के प्रयोग हो सकते हैं वो हमने बहुत उसमें क्रिएटिव, बहुत रचनात्मकता का प्रयोग किया है। हर तरहच्या आधुनिक आणि पारंपरिक साधनांचा प्रचारासाठी मोठ्या खुबीनं वापर करण्यात आलाय। टोपी, बिल्ला ही काही उदाहरणं। जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपनं हा फंडा वापरलाय। आम आदमी पक्षाने दिल्लीच्या निवडणुकीमध्ये गांधी टोपीला आपलं निशाण केलं होतं। भाजप यावेळेस उत्तर प्रदेशमध्ये पगडी आपली ओळख करताय। उत्तर प्रदेशची लाज राखण्यासाठी भाजपला निवडून आणा हा यामागचा उद्देश आहे आणि ही सुद्धा उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपचा प्रचाराचा एक भाग म्हणून लोकप्रिय भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होताना बघायला मिळते। भाजपच्या वॉर रूमच्या तोडीस तोड आहे समाजवादी पक्षाची वॉर रूम। या ठिकाणी तज्ज्ञ काम करतात। समाजवादी पक्षाच्या कार्यालयापासून एका दूरच्या ठिकाणी ही वॉर रूम आहे। या वॉर रूम मध्ये प्रवेश करताच एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये आल्यासारखं वाटतं। अहमद अफ्ता नकवी आहे सोशल नेटवर्किंग साइट आणि जे वॉर रूम मध्ये इन्चार्ज आहे त्याच्याकडून समजून घेऊ की समाजवादी पक्षाच्या वॉर रूम मध्ये कशा पद्धतीने काम चालतं। म्हणजे आप बताइए किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड क्या है। आई एम अ मार्केटर। आई हैव डन मार्केटिंग फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स अक्रॉस इंडिया and out here I'm leading the Kaam Bolta Hai campaign. Aap Mumbai se hai? Me, Maharashtrian from Bombay and out here Kaam Bolta Hai digital campaign hai and it's a digital first campaign because of the hashtag. Now that hashtag ki wajah se kya hua hai ki people have taken snaps of Gumti River front, of expressway and shared it with us on Twitter, on Facebook saying all this work has really happened. अखिलेशच्या वॉर रूम मध्ये 50 जणांची टीम आहे, ती रात्रंदिवस काम करते। एक गोष्ट या निवडणुकीत मिसिंग आहे ती म्हणजे बहुजन समाज पक्ष हा सुद्धा प्रबळ दावेदार आहे उत्तर प्रदेशमध्ये, मात्र मायावतींचा या वॉर रूमवर किंवा सोशल नेटवर्किंग साईट्सच्या याच्यावर एवढा विश्वास नाही आहे। बहुजन समाज पक्ष ट्विटरवर किंवा फेसबुकवर सुद्धा तिथे ऍक्टिव्ह आहे, त्यामुळे बसपाची ही जी वॉर रूम ही आपण दाखवू शकत नाही। त्यांचा जो बळ आहे ते डायरेक्ट लोकांपर्यंत जाण्यावर त्यांनी अजूनही परंपरागत जी पद्धत आहे त्यावरच त्यांचा जोर अजूनही आहे, त्यामुळे बसपाचं आपण वॉर रूम दाखवू शकत नाही। पण या दोन राजकीय पक्षांची वॉर रूम मधून आपण अंदाज घेऊ शकतो की उत्तर प्रदेशमध्ये जी निवडणूक आहे ती किती हाय वोल्टेज आणि कशा पद्धतीने इथे राजकीय पक्ष एडी क्युटीचा जोर निवडणूक जिंकण्यासाठी लावतात आहेत।